हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कंप्यूटर लैब में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ई रिजर्वेशन। आज हम ई रिजर्वेशन के बारे में जानने वाले हैं। सो आइए लेट्स स्टार्ट। ई रिजर्वेशन ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन, ई रिजर्वेशन को ही हम इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन बोलते हैं। रेफर्स टू मेकिंग द अपॉइंटमेंट ऑनलाइन बाई यूजिंग द इंटरनेट, जिसमें इंटरनेट के द्वारा किसी भी ऑनलाइन सर्विस पे हम अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। ए पर्सन कैन नॉट ओनली चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स इन ए बस, ट्रेन और एयरक्राफ्ट एनी टाइम, बट कैन ऑल्सो रिजर्व रूम्स, मीटिंग हॉल्स और टेबल्स इन रेस्टोरेंट एंड होटल्स बाई यूजिंग ई रिजर्वेशन। ई रिजर्वेशन पर हम केवल बस, ट्रेन या एयरक्राफ्ट की ही टिकट बुक नहीं कर सकते, बाकायदा इसके साथ साथ हम किसी भी रेस्टोरेंट या होटल्स की टेबल्स वगैरह या रूम्स या मीटिंग हॉल्स बुक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये कुछ ई रिजर्वेशन की साइट्स हैं, जैसे triple.yatra.com, triple.makemytrip.com, triple.irctc.co.in, www.bookmyshow.com। ये सभी जो साइट्स हैं वो ई रिजर्वेशन साइट हैं, जिसकी मदद से हम कोई भी हमारा रिजर्वेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है एडवांटेज ऑफ ई रिजर्वेशन, ई रिजर्वेशन के कुछ फ़ायदे भी हैं, आइए इनको हम जान लेते हैं। पहला, एक्सेसिबल एनीवेयर। हम ई रिजर्वेशन के द्वारा हम हमारी कोई भी सीट रिजर्व कर सकते हैं किसी भी टाइम किसी भी जगह। नेक्स्ट जो है कॉस्ट सेविंग लाइक ऑफर। ई रिजर्वेशन के द्वारा हम हमारे जो कॉस्ट है या जो हमारा पैसा है उसको भी सेव कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ई रिजर्वेशन पे हम जब चेक अलग अलग वेबसाइटों पर रिजर्वेशन के लिए चेक करते हैं तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं हमें ऑफ़र मिल जाता है, जिसकी मदद से हम हमारे कॉस्ट को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है क्विक रिजर्वेशन। ई रिजर्वेशन के द्वारा हमें कहीं भी ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, हम हमारा जल्दी से जल्दी रिजर्वेशन कर सकते हैं, नो एक्स्ट्रा चार्ज। जब हम ई रिजर्वेशन की मदद से कोई रिजर्वेशन करते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता। अदरवाइज हमें ट्रैवल करके जब हम थर्ड पार्टी पर्सन पर या थर्ड पार्टी पे कोई भी रिजर्वेशन कराते हैं तो वो अपना एक्स्ट्रा चार्ज लेती है, जिससे हम हमारी कॉस्ट सेविंग नहीं कर सकते और ई रिजर्वेशन में ऐसा कोई चार्ज नहीं लगता, जिससे हम एक्स्ट्रा चार्ज से बच जाते हैं। नेक्स्ट जो चेंजेस एंड कैंसिलेशंस। ई रिजर्वेशन के द्वारा हम हमारी बुक की गई टिकट्स या रिजर्वेशन को किसी भी टाइम चेंज कर सकते हैं या उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, और अगर हमें ये लग रहा है कि हम इस प्लान को सक्सेस नहीं कर सकते या इस प्लान को आगे नहीं ले जा सकते तो हम हमारे जो टिकट्स हैं उसको कैंसिल भी करवा सकते हैं, जिसका हमें जो चार्ज है वो कट के हमें जो हमारे पैसे हैं वो वापसी मिल जाते हैं। ये जो सभी आज हमने पढ़े वो ई रिजर्वेशन के एडवांटेज थे, जिसमें हमने एक्सेसिबल एनीवेयर, कॉस्ट सेविंग, क्विक रिजर्वेशन और नो एक्स्ट्रा चार्ज और चेंजिंग एंड कैंसिलेशंस के बारे में जाना। उससे पहले हमने ई रिजर्वेशन क्या होता है इसके बारे में जाना। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।